जय माता दी। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे नवरात्रि में जवारे कैसे उगाएं। जवारे उगाने की एकदम सरल और आसान विधि। अगर इस विधि से आप जवारे उगाएंगे तो आपके जवारे एकदम हरे भरे और घने उग के आएंगे। तो आइए जानते हैं जवारे उगाने की एकदम सरल और आसान विधि। हिंदू धर्म में जौ को माता अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली सबसे पहली फसल जौ या जवारा थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने का भी महत्व है। जौ बोने के साथ ही कलश स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जौ बोने से देवी भगवती प्रसन्न होती है और देवी दुर्गा के साथ साथ देवी अन्नपूर्णा और भगवान ब्रह्मा का भी आशीर्वाद मिलता है। परंतु इस दौरान हमारे मन में ये चिंता रहती है, सभी के मन में रहती है कि हमारे जो अच्छे से उगेंगे अथवा नहीं उगेंगे। तो आइए आप भी जानो जौ उगाने का एकदम सरल और आसान तरीका, जिससे आपके द्वारा माँ के लिए उगाए गए जौ अच्छे उगे और स्वस्थ उगे और माता रानी की कृपा भी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए अब जानते हैं नवरात्रि में जवारे उगाने का एकदम सरल तरीका। नवरात्रि के दौरान जौ उगाने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी का एक गोल बर्तन लें। जौ उगाने के लिए मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा रहता है। आप इस मिट्टी के बर्तन को कुछ देर के लिए पानी में डुबो दें और फिर पानी में से निकाल कर साइड में रख दें। इसके साथ ही जौ के बीजों को भी 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें। यानी कि प्रतिपदा तिथि से पहली रात को आपको जौ पानी में भिगोकर रखने हैं ताकि जौ अच्छे से फूल जाए। अब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि को सुबह नवरात्रि में कलश घट स्थापना के लिए सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करके नव वस्त्र अथवा स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विधि पूर्वक पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्रथम पूजा के दिन मुहूर्त यानी कि सूर्योदय के साथ अथवा द्विस्वभाव लगन में कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए अपने घर के उस स्थान को चुनना चाहिए जो पवित्र स्थान हो, अर्थात घर में मंदिर के सामने या निकट या मंदिर के पास ही। यदि इस स्थान में पूजा करने में दिक्कत हो या मतलब किसी का मंदिर छोटा भी होता है तो आप घर में ही ईशान कोण अर्थात घर का जो उत्तर पूर्व दिशा होती है वहां पर एक स्थान को चुन ले तथा उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। अब सर्वप्रथम जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र ले जिसे रात को आपने पानी में भिगोकर और निकाल कर रखा था। अब इस मिट्टी के बर्तन पर चारों तरफ रोली से स्वास्तिक बनाना है आपको और एक स्वास्तिक इस बर्तन के अंदर भी कुमकुम से बनाएं। इसके बाद आप इसकी पूजा करें। एक और बात जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी कि जो खरीदते समय ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको बाजार से उत्तम बीज लेना है, अच्छे क्वालिटी के बीज खरीदने हैं। बीज अगर खराब होंगे तो जो नहीं उगेंगे और आप दुविधा में पड़ जाते हैं। तो बीज बिल्कुल ठीक होगा तो हमारे जो भी अच्छे से उग जाएंगे। अब जौ के बीज के बाद हमें जौ उगाने के लिए मिट्टी साफ और थोड़ी रेतीली लेनी चाहिए। मिट्टी में किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर आदि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कंकड़ पत्थर है तो आप उसको छान लें। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें रेत मिला लें। अब मिट्टी के पात्र में मिट्टी के 1 अथवा 2 परत बिछा लें। इसके बाद एक परत जौ की बिछा दें। इसके ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी की एक परत दोबारा बिछाएं। अब उसके बाद एक परत जौ की दोबारा से बिछा दें। जौ को इस तरह चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे पूरी तरीके से ना दबे। इसके ऊपर अब मिट्टी की एक परत दोबारा से बिछा दें, पतली सी लेयर। इसके बाद आप बर्तन में पानी इस प्रकार डालें कि बीज हिलने नहीं चाहिए, यानी कि आप हाथ के सहारे उसमें पानी का छिड़काव करें और एक बार पानी देने के बाद जब आप इस बर्तन पर मिट्टी के कलश की स्थापना कर देंगे तो आपको इसमें अधिक पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मिट्टी के कलश में
पानी रिसता रहता है और इस बर्तन में नमी बनी रहती है। लेकिन अगर आप पीतल, तांबा या फिर स्टील के कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको सुबह शाम पूजा के दौरान इस बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। अधिक पानी इस बर्तन में बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि अगर आप अधिक पानी देते हैं तो जो गल जाते हैं और ज़्यादातर बीज उग नहीं पाते, इसलिए आप पानी का भी विशेष ध्यान रखें। अब कलश में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले में 3 धागे वाली मोली लपेटे और कलश को एक ओर रख ले। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा चौकी पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाकर कलश में गंगाजल मिला हुआ जल छिड़कें। इसके बाद कलश में सुपारी और एक सिक्का डालें और उसके मुख पर कुछ आम के पत्ते रखें। अब नारियल लेकर उसके चारों ओर पवित्र धागा और लाल चुंदरी बांध लें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने जवारे उगाने के लिए मिट्टी का पात्र लिया है उस पे भी आपको कलावा बांधना है। अब आम के पत्तों के बीच में नारियल रखें। नारियल के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय उधर्वस्य वस्त्र बहु रोग वृद्धे प्राचीन मुखम वित विनाशनाय तस्तमात शुभम समुख्य नारिकेलम। अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका मुख साधक यानी कि जब आप पूजा करते हैं तो अपनी तरफ ही रखें। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है, वो उसका मुख होता है। अतः आप लोग नारियल के मुख का विशेष ध्यान रखें। मैं वीडियो के अंत में नारियल सीधा किस तरफ से होता है उसकी फोटो के जरिए भी आपको दिखाऊंगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें और फिर माता रानी का आह्वान करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपा कलश में विराजमान हो जाए। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें, कलश को टीका करें, चावल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी कि फल, मिठाई आदि अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रों में कलश स्थापना पूजा करना जातक के जीवन में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि लाने के लिए सबसे बेहद ही फायदेमंद साबित होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और उनसे अपनी मन्नत मांगें। माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करें और उन्हें अपनी उपस्थिति से अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए आग्रह करें। 8वें और 9वें दिन यही पूजा करें और 9 कन्याओं को अपने घर बुलाएं। ये 9 कन्या देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः उनके चरण धोकर उन्हें स्वच्छ और आरामदायक आसन अर्पित करें, उनकी पूजा करें, उनके माथे पर तिलक लगाएं और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसें। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन घट विसर्जन करें, अपनी प्रार्थना करें, देवताओं को फूल और चावल चढ़ाएं और घट को वेदी से हटा दें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए माता रानी की जय। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और वो इसका लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।